सुनो सुनो जग वालो तुम। आप भी बोला करो, थोड़ा आनंद ले लिया करो, प्रमाद भी दूर होगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमो कार की अटल कहानी, सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी, सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमो कार की अटल कहानी। एक राजा जिसका नाम प्रजापाल था, उज्जैनी जिसकी राजधानी थी, मालव जिसका देश था, उसके दो बेटियों के बाद बड़े का नाम सुर सुंदरी था, छोटी का नाम मैना सुंदरी था। दोनों बेटियां खूब अच्छी विदुषी, पढ़ी लिखी, योग्य और युवावस्था को प्राप्त थी। दोनों बेटियां आपस में प्रेम बहुत, प्यार बहुत, घर में सब कुछ अच्छा, पर विचारों में भिन्नता थी। भिन्नता का कारण स्वयं राजा था, राजा प्रजापाल बहुत अहंकारी राजा था। वो ये मानता था कि जो भी कुछ है मेरा पुरुषार्थ है, जो कुछ हूँ, मैं करता हूँ, मैं अपनी प्रजा का भाग्य विधाता हूँ, ऐसा उसका सोचना था। जैसा ये प्रजापाल का आप जिक्र सुन रहे हैं, यही इसी तरह की बात हिरण्यकश्यपु की थी, जो प्रह्लाद का पिता था। क्या नाम लिया? हिरण्यकश्यपु। उसके भी यही, वो भी कहता था क्या परमात्मा होता है, क्या देवता होते हैं, क्या कुछ होते, जो कुछ हो मैं हूँ, वो भी यही कहता था। और मैं नहीं जानता ये बात कितनी सही है, कहते हैं हिरण्यकश्यपु की राजधानी वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश का हरदोई नगर है, ये उसी की राजधानी थी, हिरण्यकश्यपु की हरदोई। और हरदोई का मामला था क्या, लोगों ने क्यों कहा उसको हरदोई? हद होई भाई, हद हो गई सीम, क्या हद हो गई भाई, जो कुछ है बस यही है और तो कुछ है ही नहीं। खैर वो बात कितनी सही है मैं नहीं कह सकता, पर इस प्रजापाल ने भी हद कर रखी थी, जो कुछ हूँ मैं हूँ वो ये मानता था। और एक दिन टकराव हो गया, टकराव हो गया अपनी छोटी बेटी से। वो विद्वत सभा में बात पूछी गई कि भी सुख दुख का दाता कौन है, बड़ी बेटी ने तो पिता का नाम लिया ये सब कुछ है, और छोटी बेटी ने कर्म का नाम लिया कि सुख दुख हमें अपने कर्म से प्राप्त होते हैं, वैसे नहीं प्राप्त होते, कोई किसी को कोई सुख दुख नहीं दे सकता, जो कुछ है वह सब हमारे कर्म से होता। मुसलमानों की एक कहानी है, एक बादशाह हुआ लखनऊ का, उसका नाम सिराजुद्दौला था। वो भी यही मानता था कि मैं सब कुछ हूँ। एक बार दो भिखारी भीख मांगने के लिए सिराजुद्दौला के पास गए, उनके भी विचार भिन्न भिन्न थे। एक भिखारी ने जाकर के नारा लगाया, जिसको न दे मौला परमात्मा, जिसको न दे मौला उसको दे सिराजुद्दौला, जिसको भगवान नहीं देता ना उसको सिराजुद्दौला देता। वाह वाह क्या अद्भुत बात कही, क्या गजब की बात कही। उसको कहा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अच्छा वहाँ खड़ा हो गया। वो मन में सोचने लगा गलत तो मैंने कुछ कहा नहीं था, क्या बात हुई, चलो। दूसरा भिखारी आगे आया, उसने भी नारा लगाया और उसने नारा ही लगा मौला दे तो मिल जाए, भगवान अगर देगा। ये इसको सिद्धांत से ना जोड़े, कहानी को कहानी रूप में रखना, तो मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा।
श्री राजीव दौला बादशाह ने कहा अच्छा देखता हूँ इसके भगवान को भी। उसने दो टके टके चलते जमान दो टके लिए उसको दे दिए, जाओ। उसने माथे को लगाए और लेकर चल दिया, जो तूने दिया परमात्मा वो मिल गया, ठीक है। उसको बुलाया और उसने साथ अपने सेवक को कहा, इशारा किया और इशारा ये किया, एक खरबूजे में थोड़ा सा कुछ उसको काट करके उसमें 5 अशरफी डाल दो सोने की और वो मेरे पास लाओ। वो देने का अपना ढंग बता रहा था, वो थोड़ा सा कुछ कट करके उसमें 5 अशरफी डाल के उसको बंद कर दिया और बादशाह के पास लाया। उसने लिया, लो भाई तुम्हारा इनाम। वो लेके चल पड़ा, बोला इतनी बड़ी बात भी कही, जिसको न दे मौला उसे दे सिराजु दौला, दिया ये बताओ, खानी थी रोटी दे दिया ये, चलो आगे दोनों मिले। तुझे क्या मिला? बोले 2 टके मिले भाई, परमात्मा ने यही चाहा था, मिल गया हमारे को। तुम्हें क्या मिला? बोले भाई पता नहीं, तो परमात्मा खुश नहीं था, पता नहीं सिराजु दौला खुश नहीं था, ये खरबूजा दे दिया, मेरे को तो भूख लग रही थी, इससे तो भूख मिटेगी नहीं, खानी रोटी थी। वो खरबूजे वाला क्या कहता, तुम्हारे समझ में एक बात आए तो कर लो। बोले क्या? तू 2 टके में खरबूजा ले ले, तू खरबूजा खा लियो और मैं रोटी खा लूँगा। बोले हाँ मैंने तो रोटी सवेरे खा ली थी भाई, मैंने को तो अभी भूख भी नहीं है। बोले देख ले सौदा कर। बोले कर लो। उसने उसे 2 टके दे दिए, उसने उसको खरबूजा दे दिया, वो चल दिए। जहाँ भी गए ठहरे, उसने तो 2 टके की रोटी खा ली अपनी। उसने का मन हुआ चलो भाई अब खरबूजा खाते हैं। उसने उसे खोला, 5 अशरफी निकले। बोला देखो जिसको न दे, हाँ मौला दिलवाए तो दिलवा, देखो मौला परमात्मा की कृपा हुए, खरबूजे में वह अशरफियाँ निकली आई। ये बात बादशाह तक पहुँची। बोले ये हेराफेरी करी किसने? बोले हेराफेरी करने वाले एक ही है, ऊपर वही करता रहता है ऐसे हेराफेरी, इसका उधर उसका उधर उसका उधर। बंधुओं प्रजापाल बस यही सोचता था, जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, मैं इस लड़की को पाठ पढ़ाऊँगा। इसने भरी सभा में ये बात कही है कि कर्म सब कुछ होता है, इसके कर्म को देखना है। अब बात आ गई, एक दिवस राजा मंत्री संग गए घूमने राजोद्यान, देख वहाँ पर कोढ़ी डेरा हुए थे विस्मित मन हैरान, एक कोढ़ी को सारे कोढ़ी उम्बर राणा कहते थे, यानी उम्बर राणा को ही आज्ञा में बस रहते थे, देख के उम्बर याद आ गई मैना सुंदरी ना फरमानी, सुनो सुनो जगमालो तुम नमो कार के अटल कहानी, सुनो सुनो जगमालो तुम नमो कार के अटल कहानी। एक दिन के बाद राजा और मंत्री, सुबह का समय था, बड़ा अच्छा मौसम था। राजा ने कहा मंत्री चल घूम के आते हैं। बोले जैसे महाराज की आज्ञा हो। दोनों चल दिए, साथ में किसी को नहीं लिया। नगर से बाहर गए, आगे राजा का बाग था, उसके बीच में बहुत जगह पड़ी हुई थी नगर और बाग के बीच में, वहाँ देखा। ओ ये क्या भाई, देखा कोढ़ी लोगों ने डेरा डाल रखा है, और ध्यान से देखा इतने फौज, 500 कोढ़ी थे, सबके अंग गले हुए, सब विरूप, किसी के हाथ किसी के पांव किसी के नाक किसी का कुछ, सब गले हुए,
और वो सारे वहां बैठे थे। राजा उन्हें देख कर हैं बोले, इतने कोड़ी कहां से आ गए भाई? मंत्री बोला, जी ये कोई दल है कोढ़ियों का, लगता है कि चलता फिरता आया है। आपको बताऊं बात, बड़ा विचित्र जमाना गुजरा है। पहले इन कोढ़ियों को गांव नगर में आने नहीं देते थे, क्योंकि ये मानते थे भी दूसरों को कोढ़ हो जाएगा, तो ये लोग बेचारे मांगने के लिए नगर में भी नहीं आ सकते थे। नगर के बाहर जितने दो चार दस पाँच बीस या बड़ा इनका टोला सा हो जाता तो ये अपने वहाँ बैठ जाते, और लोग सुबह सुबह दया भाव से रोटी डाल करके आते थे, दे के नहीं आते थे। देना तो वहाँ लो जी आपने, कुत्तों की तरह ऐसे फेंक कर जाते थे। और ये लोग बेचारे क्या करें, कमा तो सकते नहीं, कहीं कहाँ जाएं, कहाँ मांगे, वो बस ऐसे ले लेते खाया करते थे। बोले ये तो कहीं से कोढ़ियों का कोई दल आया है, देखो तो कितने। बोले महाराज सैकड़ों हैं ये तो। बोले कमाल हो गया, थोड़े से और कदम आगे बढ़े। राजा कुछ सुन के आपस में बातें सुनने लगा। एक कह रहा था, वो राणा साहब ने कुछ खाया कि नहीं खाया? दूसरा कह रहा था, हाँ दो रोटी आई थी राणा साहब को दे दी, तो और पानी पहुँचाया नहीं राणा साहब को? हाँ जी राणा साहब को पानी दे दिया था। एक कुछ और कह रहा था, वो बार बार राणा 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 ये कहे जा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। राणा तो राजा को कहते हैं। राजा बोला, क्या इनमें भी कोई राणा है, यानी कोई राजा है इनमें भी? मंत्री बोला, जी ये पता तो है नहीं, बाकी सारे कह रहे हैं राणा राणा, पता नहीं क्या मामला है ये, पूछे इनसे भाई ये राणा कौन है, क्या मामला है राणा। तो राजा मंत्री और थोड़े आगे गए, राजा ने कोड़ी, कौन अभी तुम्हारा राणा? बोले जी हमारे राणा का नाम है उंबर राणा। क्या नाम लिया? उंबर राणा, वो हमारे राजा है, हम कोड़ियों के, हमारी प्रजा के वो राजा है उंबर राणा। बोले भी जरा उसको उंबर को हमारे से मिलवाओ। मंत्री ने कहा कि हमारे महाराज हैं, नगर के राजा हैं, तो जरा मिलवाओ, बात तो करवाओ। राजा ने उंबर से पूछा, कौन देश के राजा हो और कहाँ पर राजधानी है, यहाँ रुके किसका जाओ। उंबर बोले काहे के राणा, काहे के राजा हे राजन, कर्मों के हैं खेल निराले, कर्मी सुख दुख का कारण। सुख के दिन तो बीत गए हैं, दुखों में बीते जिंदगानी। सुनो सुनो जग वालो, तुम नमो कार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो, तुम नमो कार की। वो लोग जो कोड़ी थे बोले, राणा साहब को बुलाओ भाई, नगर के राजा आए हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। तो बात तो राजा से राजा ही करेगा, वो कहीं उनमें ही छिपे हुए बैठे थे, उनको बुलाया कि वो नगर के राजा आए हैं। वो आए, कोड़ी था बेचारा उसी तरह का जैसे और थे, फिर भी औरों से कुछ थोड़ा सा कपड़े से और से, मतलब उन्होंने अपने राजा को थोड़ा ठीक सा रखा हुआ था। वो आ गया है, नमस्कार किया, महाराज नमस्कार। हाँ तुम्हारे नाम है उंबर राणा? महाराज उंबर तो नाम मेरा है, राणा तो काहे के राणा है, कैसे राणा? भाई नहीं, राणा कह रहे तुम्हारे को, कौन से देश के राजा हो भाई, कौन राजधानी है तुम्हारी, क्या मामला है? उंबर ने कहा, महाराज काहे के राजा, काहे के राणा, हम तो अपने कर्म भोग रहे हैं। क्या कहा? हम तो अपने कर्म भोगने लग रहे हैं, दुख पा रहे हैं,
कभी सुख के दिन थे हमारे बीत गए, अब तो दुख के दिनों में जिंदगी काट रहे हैं। कर्मों के बाद बड़े विचित्र हैं, इन कर्मों ने बड़े दुख दे रखे हैं। महाराज क्या राणा है, ये लोग कह देते हैं बाकी तो सारी कर्म की कहानी है। राजा के कान थोड़े से चौकन्ना हुए, बोले मैना सुंदरी है ना, वो भी कर्म कर्म करती रहती है, सुख दुख कर्म के देन है। सुख दुख कैसे होते हैं, कर्म से होते हैं सुख दुख सारे, कर्म की जी जी फल भोगता है कर्म। और ये भी ऐसा ही है, ये जो है ये भी कर्म कर्म करने लग रहा है। जब से इसे पूछा मैंने, बात करी कर्म कर्म, दिमाग में एक बात आई, अगर इस कोढ़ी की और मैना सुंदरी की शादी कर दी जाए, उसको तो ये पता चलेगा कि करने वाला कर्म है या मैं हूँ, उसको तो ये पता चलेगा। और शादी कर देता हूँ, उसको याद रहेगी सारी जिंदगी भर, रोएगी वो, मेरे पाँव में आके गिरेगी, कहेगी पिताजी आप ही सब कुछ हो। ये मन में राजा ने सोच लिया। राजा ने उससे कहा, और तुम्हारी शादी होगी भाई? बोला जी हम तो कोढ़ी आदमी, हमारी शादी कैसे, हम लोग तो बस ऐसे ही फिरने लग रहे हैं ऐसे कुछ। अच्छा अगर तुम्हारा विवाह हो जाए तो? अजय हम क्यों हमारा मखौल करते हो, क्यों मजाक बनाते हो? बोले नहीं नहीं हम राजा हैं भाई, हम सब हम कर सकते हैं कुछ, सब कुछ कर सकते हैं। बोले जी अगर कोई कन्या तैयार हो तो, जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा हमारे राणा साहब की शादी हो जाए, हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा होगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं, अभी तुम यहीं रहना, जाना मैं तुम्हारे से पूछे बिना, तुम्हारा खाना भिजवाते हैं। ये कहकर राजा और मंत्री वापिस हो गए, जाकर उनका खाना भिजवा दिया। अब राजा सोच रहा है अपनी लड़की की शादी इसके साथ करते हैं, और फिर देखता हूँ उसके कर्म की क्या कथा और क्या बात है, आगे क्या घटित होता है सुनोगे अगले समयों की चर्चा में। आज की चर्चा यहीं तक।